अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अंडा रोल की रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से, मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, ये मेरा आधा किलो मैदा है, 500 ग्राम मैदा है ये मेरा। इसमें हम कोई मतलब दो से तीन चीज़ ऐड करेंगे, फिर इसे मिक्स करके अच्छे से गूंद लेंगे। छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक, दो से तीन चम्मच नमक, मैं ऐसे डाल रही हूँ मुझे अंदाज है, सॉरी दोस्तों। हाँ, मैं तेल बोलने का था तो मैं नमक बोल दी। तेल, दो से तीन चम्मच तेल ऐड करें। अब इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर ले हाथों से ऐसे। पहले पानी नहीं डाले, पहले नमक और वो बेकिंग सोडा और तेल जो है ना, इसमें अच्छी तरीके से दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर ले। देखिए, इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे गूंदने के लिए हल्का नीम गरम पानी लेके गूंदेंगे। मैं बताती हूँ कितना गरम पानी हम लोग को चाहिए और कितनी पानी, कितना गिलास होना चाहिए। ये जग से मैं आधा जग पानी ली हूँ, गुनगुना पानी है मेरा, जितना मुझे यूज लगेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले ली हूँ कि कम ना पड़े। अब इसे गूंद के मिलते हैं। ये देखिए, हमारा मैदा एकदम अच्छे से गूंद गया है। अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी। इस तरीके से काट लें। अब शिमला मिर्ची भी काट लें। ये मेरी सब्जी कट गई है, धनिया की पत्ती, एक शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। इसमें गाजर भी होता है, मेरे वहाँ गाजर मिला नहीं है तो मैं बोली जाने दो, छोड़ो ऐसे ही बना देती हूँ। आप लोग गाजर भी ज़रूर इसमें ऐड करना, बारीक बारीक स्लाइस में, लंबा लंबा काट के। चलिए, अब हम कढ़ाई का गैस चालू करते हैं। अब हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर हमारी सब्जी इसमें थोड़े से तेल में सिर्फ नरम करने के लिए बनाएंगे। ये मैंने 2.5 चम्मच तेल लिया है। अब तेल को गरम होने देंगे। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। चला लेंगे। आप लोग इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज इतनी इसमें अच्छी नहीं लगती है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अभी इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करके इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए, ये हमारी सब्जी हमें ऐसी ही चाहिए। नमक भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और सब्जी भी नरम हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड ग्रीन चिल्ली, 2 चम्मच। अब रेड चिल्ली, 2 चम्मच। आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। मेरे कांटेक्ट में एक जन कमेंट्स किए थे कि इंग्लिश में मसाला बता रहे तो हिंदी में भी बताओ, उनको नाम नहीं पता था इसलिए मैं बोली ब्लैक पेपर पाउडर और काली मिर्च। अब चिल्ली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच
गरम मसाला, अब इसे मिक्स कर ले अच्छे से। अब हम अंडा तैयार कर लेंगे। ये मैंने 6 अंडा लिया है। अब इसमें फिर से मैं आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। नमक 1 छोटा चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लें। देखिए मैंने अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम चलते हैं मैदे की तरफ। चलिए अब हम गैस चालू करते हैं और फ्राई पैन गैस पे गर्म होने के लिए रखते हैं। यह हमारा मैदा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसकी गोल गोल रोटी जैसा इसे बेल लेंगे। इतना आटा लेके इसे गोल गोल ऐसे मोड़ ले, ऐसे चिकना सा बॉल बना के इसे बेल ले, इसे घुमा घुमा के बेल ले। गरम हो चुका है। अब हम इसे इस पे कच्ची पक्की सेक लेंगे। सारे मैदे की इस तरीके से गोल गोल बॉल बना के रोटी बेल ले। देखिए दोस्तों ये मेरी रोटी बन गई है। ऐसी पतली पतली रोटी बेल ले। ये मेरी पूरी रोटी बन गई है। चलिए ऐसी कच्ची पक्की दोनों तरफ से आगे से पीछे से तावे पे अच्छी तरीके से पका ले। कच्ची पक्की मतलब कच्ची पक्की है, मतलब साइड साइड से ऐसे मतलब इस तरीके की बना ले। अब तावे पे हम 1 चम्मच तेल ऐसे घुमा के डालेंगे। फिर इस तरीके से इस पे अंडा फैला लेंगे। फिर ऐसे इस पे रोटी चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से इसे बना ले। अच्छी तरीके से अलट पलट के आगे पीछे से पूरी अच्छी तरीके से रोटी सेक ले, क्योंकि ये मैदा है, जरा से भी कच्चा रहेगा ना तो नुकसान करता है। देखिए इस तरीके से इसे पका ले अंडे के साथ में। अब इसको हम बना के बताते हैं। इस तरीके से सब्जी को रख ले। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर छिड़के, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर रेड चिल्ली लगाए, केचप है मतलब मेरे मुंह से पाउडर निकल गया, और इसमें ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी, टमाटर सॉस लगाएं, मायोनीज ऐसे इसके आसपास में लगा दें। ये बटर पेपर ये सब पूरा अच्छे से इसको सजा के रुक, एक मिनट थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल दें, थोड़ा गार्निश हो गए इसके ऊपर। बटर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ बगैर बटर पेपर के नहीं बन सकता ये। चलिए अब हम इसे फोल्ड करते हैं। ये बनके तैयार हो गया मेरा अंडा रोल।